जिंदगी में हम वही चीज खो चुके थे जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते थे। सब कुछ वैसा हो सकता है जैसा। क्या ट्विंकल खन्ना सुधार पाएंगी अपनी गलती? क्या अनन्या पांडे नजर आएंगी बबली गर्ल के किरदार में? हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं मधुलिका आपकी होस्ट, आपका स्वागत करती। ये बात तो हम सब जानते हैं कि 1913 में पहली बार बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बॉलीवुड मूवी रिलीज हुई थी और उस टाइम पर इंडस्ट्री के अंदर रोमांस को इंक्लूड करने में थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सी सामने आ जाती थी। ये बात कितनी हैरान कर देने वाली है और शायद हंसी वाली भी, क्योंकि आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में रोमांटिक मूवीज ने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। बात करते हैं 1998 की, तो इस साल को याद करते ही कुछ कुछ होता है। चलिए मजाक की बात दूर है, हम बात कर रहे हैं उस साल रिलीज हुई मूवी कुछ कुछ होता है की, और साथ ही इस मूवी के साथ सुपरहिट हुई जोड़ी राहुल और अंजलि की। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी बेहद पसंद की गई थी ऑडियंस के द्वारा और इस मूवी के अंदर राहुल और अंजलि की जोड़ी को उतना ही पसंद किया गया था जितना रोमियो जूलियट और जोधा अकबर की जोड़ी को किया जाता है। ये एक मॉडर्न एज का प्यार था। अब बात करते हैं मूवी के सेकेंड सीक्वल की। जी हाँ दोस्तों, मूवी का सेकेंड सीक्वल जल्द ही रिलीज होने जा रहा है। करण जौहर डायरेक्टर होंगे इस मूवी की, तो सोचना ये होगा क्या मूवी में एक बार फिर से नजर आते हैं ऐसे ही हसीन किरदार, क्योंकि शायद इस बार हमें शाहरुख और काजोल की आइकॉनिक जोड़ी तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हो सकता है उन्हीं की तरह कुछ अच्छे एक्टर्स नजर आए इसके सेकेंड पार्ट में। अब हम आपको बता दें कि मूवी में रानी मुखर्जी से पहले रोल ऑफर किया गया था ट्विंकल खन्ना को, लेकिन उन्होंने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से ये ऑफर ठुकरा दिया था। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद इसके सेकेंड पार्ट में ट्विंकल खन्ना नजर आ सकती हैं। अब वो किसी मेन कैरेक्टर के रूप में तो नजर नहीं आएंगी, लेकिन फिल्म की शूटिंग की गई है कॉलेज लोकेशन पर, तो शायद हो सकता है कि ट्विंकल खन्ना एक कॉलेज की टीचर के रूप में नजर आए। जी हाँ, वही टीचर जो सुंदर सी साड़ी पहने अपनी जुल्फे बिखराते हुए बच्चों को डांटती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन देखना ये होगा क्या करण जौहर ट्विंकल खन्ना को लेते हैं इस मूवी में, क्योंकि करण जौहर और ट्विंकल खन्ना के पर्सनल रीजंस कुछ सही नहीं चल रहे हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं कि ट्विंकल खन्ना और करण जौहर के बीच लव अफेयर था और ये बात करण जौहर ने खुद एक्सेप्ट की थी, लेकिन ट्विंकल खन्ना ने उनके प्यार को तोड़कर उनका ऑफर ठुकरा दिया था और साथ ही उन्होंने शादी भी कर ली थी। तो देखना ये होता है कि करण जौहर इस बार इस मूवी में ट्विंकल खन्ना को इसका पार्ट बनाते हैं। अब बात कर रहे हैं हम मूवी के कॉलेज लोकेशन की, तो ये बात तो हम सब जानते हैं कि कॉलेज में स्टूडेंट्स जरूर होंगे, तो शायद एक स्टूडेंट का किरदार निभाने के लिए अनन्या पांडे का नाम सामने आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अनन्या ने पहले भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में एक बबली गर्ल का किरदार निभाया था। शायद वो किरदार काफी लोगों को पसंद नहीं आया था और अभी भी अनन्या का नाम लेने पर शायद काफी लोग ऑफेंड भी हो जाएं, लेकिन ऐसा मैं नहीं कह रही। ऐसे सूत्रों से खबर मिली है कि शायद इस रोल के लिए अनन्या फिट बैठेंगी। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि रानी मुखर्जी, काजोल और शाहरुख खान को कौन से एक्टर्स रिप्लेस करते हैं। फिल्म की कास्टिंग कैसी भी हो, लेकिन फिल्म बेहद इंटरेस्टिंग होगी। हम बहुत एक्साइटेड हैं इस मूवी को देखने के लिए। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको कैसी लगती है कुछ कुछ होता है, आप कितने एक्साइटेड हैं कुछ कुछ होता है के पार्ट 2 के लिए। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करें।